नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ प्रतीक्षा और आप सभी का हमारे अपने लंबोदर किचन में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ टेस्टी ढाबा स्टाइल पनीर मसाला रेसिपी। ये बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। तो पनीर मसाला बनाने के लिए हमें एक कढ़ाई में एक चम्मच तेल डालना है। तेल को अच्छे से गरम करना है। तो अब हम इसमें आधा चम्मच जीरा और दो से तीन मीडियम साइज़ के कटे हुए प्याज, आधा इंच अदरक का टुकड़ा, पाँच से छः लहसुन की कलियाँ और दो हरी मिर्च, तो इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो ये ढाबा स्टाइल पनीर मसाला बनाने के लिए मैंने आपको कुछ सीक्रेट्स बताए हैं, इसीलिए ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें 7 से 8 काजू के टुकड़े डालते हैं और 2 कटे हुए टमाटर। काजू के अलावा आप मगज के बीज भी इसमें डाल सकते हैं। तो अब हम इसको अच्छे से मिलाकर थोड़ा सा इसमें नमक डालते हैं ताकि हमारा जो टमाटर है वो जल्दी पक जाए, और इसको मिक्स करके इसके ऊपर हम ढक्कन लगा के 5 मिनट इसको पका देंगे ताकि हमारा जो टमाटर है वो सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। इसको ठंडा होने पर हम इसकी पेस्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल डाला है। गैस की फ्लेम हमें लो करनी है। तो अब हम इसमें 2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे और 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर। हमें लो गैस पे ही मसालों को अच्छे से पकाना है, नहीं तो हमारे मसाले जल सकते हैं। तो अब हमने जो प्याज टमाटर की पेस्ट बनाकर रखी थी वो डालेंगे। तो मसालों को ग्रेवी के साथ अच्छे से मिलाकर, तो इसमें हम अब आधा चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे और आधा चम्मच गरम मसाला। तो इसको भी हम ग्रेवी में अच्छे से मिला लेते हैं। तो अब हम इसको 5 मिनट ढक कर रखते हैं ताकि तेल मसालों से अलग हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मसाला अच्छे से पक चुका है। अब हम इसमें कद्दूकस किया हुआ पनीर डालेंगे, तो इससे हमारे ग्रेवी में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आती है, बिल्कुल ढाबे जैसी। तो यहाँ पर मैंने 1/2 ग्लास पानी डाला है। आप ग्रेवी की कंसिस्टेंसी आपके हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ पर मैंने स्वादानुसार नमक डाला है और 1/2 चम्मच शक्कर। अब यहाँ पे मैंने 2 चम्मच फ्रेश क्रीम ली है। आप दूध की जो मलाई होती है वो भी ले सकते हैं। तो इसको हम अच्छे से मिला लेते हैं। तो अब हम इसको ढककर 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे ताकि हमारी जो ग्रेवी है वो अच्छे से पक जाए। तो यहाँ पर आप देख लीजिए बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। इसकी जो आप कंसिस्टेंसी देख सकते हो बिल्कुल ढाबे जैसी है। तो लास्ट में हम इसमें डालते हैं 1/2 चम्मच भुनी हुई कसूरी मेथी और पनीर के टुकड़े। तो इसको भी हम हल्के हाथों से मिक्स करते हैं। ध्यान रखना
पनीर डालने के बाद इसको हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस इसको 2 मिनट ही पका लेते हैं। तो लीजिए, हमारा ढाबा स्टाइल पनीर मसाला तैयार है। तो इसके ऊपर हम थोड़ी सी धनिया डालेंगे। तो यहाँ पर हमारा टेस्टी ढाबा स्टाइल पनीर मसाला सर्व करने के लिए तैयार है। ये बनाने में बहुत ही आसान और टेस्टी है। तो आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर से मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।